सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेड की। जांजगीर चांपा के मुठपार में धान मंडी खोले जाने की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के बाद भी लोगों की मांगों को अनदेखा किया गया। गांव के सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। किसान अपने हक की लड़ाई पिछले 3 सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, मगर मांग पर अब तक किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते लोगों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। मैं सिंघुल का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हमारा गाँव सिंघुल है और मुड़पार और कनसदा। हम लोग चाह रहे हैं कि कनसदा मुड़पार सिंघुल का नवीन धान खरीदी केंद्र मुड़पार में खुलना चाहिए और इस मांग को लेकर हम लोग 3 वर्षों से चलते आ रहे हैं। जब तारण सिन्हा था और शुक्ला सर था और जनक पाठक थे, तब से हम लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें आश्वासन मिला है और हमारे फाइल को दबा दिया जा रहा है। हम लोग किसान के बेटे हैं, कोई नेता नहीं है। हमारे जो जायज मांग है उसी को लेकर आए हैं। तो हमारे मुड़पार में नवीन धान खरीद केंद्र खुलना चाहिए। हम लोग यहाँ धान खरीदी यहाँ आए थे, 3 साल हो गए यहाँ आते आते। जब भी आते हैं तब आश्वासन ही मिलता है, जितना भी कागज हम लोग मांगते हैं जहाँ जहाँ से मांगे वहाँ से कागज ला ला कर जमा कर देते हैं। उसके बाद भी आज तक हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो पा रही। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेठ की। पनगांव के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। लोगों ने सड़क समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर सीएम तक को अवगत कराया, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। लेकिन इस बार पूरे गांव के लोगों ने समस्या को लेकर यह फैसला लिया है कि अगर विधानसभा चुनाव के पहले सेंद्री पनगांव का सड़क नहीं बनता है तो आगामी विधानसभा चुनाव का पूरा गांव बहिष्कार करेगा। उन्होंने धान खरीदी मंडी को लेकर भी कहा कि जल्द से जल्द पनगांव में धान उपार्जन केंद्र खोला जाए। सेंद्री से पनगांव पहुँच मार्ग इतना जर्जर हो कि बच्चे वहाँ चल नहीं पा रहे हैं, आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है, गाड़ी तो चल ही नहीं पा रहा है। और कई वर्षों से मांग हमारा चल रहा है, कई बार बोलते हैं कि स्वीकृत हो गया है, कई बार पेपर में आ गया कि 2.5 करोड़ का सेंक्शन हो गया, मगर अभी तक वह मार्ग नहीं बना है, जिससे हम लोग को यहाँ जिले आने में बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। तो जल्दी बन जाए नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे अपने गाँव में। पानी की समस्या, विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। यही सब हमसे विनय है आप सब से, सरकार से, कि आप सभी हमारा मांग पूरा करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होने हैं। निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि राजनांदगांव में सभी 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पहले चरण में 7 नवम्बर को सम्पन्न होगी। अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक रहेगी। आज अभी मैं आप सभी को विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की जानकारी दे रहा हूं। अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर 2023 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 है। मतदान की तिथि 7 नवंबर 2023 है। मतगणना की तिथि 3 दिसंबर 2023 है और 5 दिसंबर के पूर्व समस्त निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होंगे। यह अधिसूचना और नोटिस आज जो है आदर्श आचरण संहिता इसके साथ ही प्रभावशील हो गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो नक्सल प्रभावित बूथ है वो 166 है, जिनमें संवेदनशील और अतिसंवेदनशील दोनों बूथ शामिल है। मेनली जो एरिया है वो हमारा जो गोंदिया से बॉर्डर लगा हुआ है, साउथ में मानपुर मोहल्ला का जो छुरिया गेंदा टोला का क्षेत्र है, साथ में ऊपर में डोंगरगढ़ और कन्हार गांव के पास में जो खैरागढ़ का एरिया लगा हुआ है, वो सभी उसमें सम्मिलित है क्षेत्र में। इसमें 44 कंपनियाँ हमको बाहर से मिल रही हैं और 2 कंपनियाँ CAF की जो स्टेट से सोर्स रहेंगी और 1700 का DF का बल जो स्टेट से मिलेगा वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इतने बल में हम पूरा जो आसपास का एरिया उसमें एरिया डोमिनेशन भी कर पाएंगे, जो हमारी पोलिंग पार्टी है उसको हम सिक्योरिटी कवर भी दे पाएंगे, साथ में जो सारे रूट्स हैं उनके वो भी हम सिक्योर कर पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें सुनील यादव की।
आकाश शिकारा ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत राजनीतिक दलों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के घोषणा के बाद से प्रक्रिया पूरी होने तक नियम और कानून के दायरे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में जानकारी दी। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने और निर्वाचन अभियान में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र लगाने की सलाह देते हुए चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता आरंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं। तारीख सामने आते ही प्रशासन एक्टिव हो चुकी है। प्रशासन ने जिला मुख्यालय सहित सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगे सरकारी होर्डिंग्स को निकालना शुरू कर दिया है। नगर पालिका के पास काफी संख्या में लगी कांग्रेस पार्टी भाजपा पार्टी के होर्डिंग्स को हटाया गया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी टीम बनाकर होर्डिंग हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की आज सुबह घोषणा की गई है और इसी के साथ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में अब आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में जो कुल 90 सीटें हैं उनमें से 51 सीटें अनारक्षित हैं, 29 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और राज्य में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारियों और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव की तारीखों की प्रतीक्षा कर रही थी। जनता और भाजपा परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भाजपा ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस से बड़ी बढ़त बना भी ली है। 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी मैदान में होंगे, 10 प्रत्याशी अनुसूचित जाति से हैं, 31 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से हैं और सूची में अब तक 14 महिलाओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। 43 ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है जो पहली बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आचार संहिता लगते ही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 64 उम्मीदवारों का नाम है। दूसरी सूची में पूर्व IAS फिल्म अभिनेता सांसद समेत नई चेहरों को भी शामिल किया गया है। कोंडागांव से लता उसेंडे, नारायणपुर विधानसभा से केदार कश्यप और केशकाल से नीलकंठ टेकाम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।